जय सिया राम। हरिओम। मदारी संसद में बंदरबाजी। पिछले दो तीन दिनों से आप देख रहे हैं कि क्या हंगामा मचा हुआ है। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मानहानि हुई, उनकी मिमिक्री की टीएमसी के सांसद ने, फिर हंगामा हो गया है। तो ये जो बंदरबाजी है संसद के अंदर है, मतलब अब मंकी संसद हो गया है, मंकी पार्लियामेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, राजीव गांधी जब थे तब भी हुआ कि 68 सांसदों को एक साथ बर्खास्त किया गया था, सस्पेंशन हो गई थी उनकी। इस बार सुना 143 हो गया है। तो अब बहस जो चल रही है टीवी मीडिया में, तो ये चल रही है कि तेरे कपड़े काले तो मेरे काले है ना, तेरे कम सफेद तो मेरे थोड़े कम सफेद। भैया यहाँ किसी भी चीज की गरिमा नहीं रखी गई है। मंकिंग पार्लियामेंट जो हो रहा है, जो बंदरबाजी चल रही है, वो मतलब कि पार्लियामेंट का पार्ट है। एक से एक बातें हुई है, गंदी भद्दी अनैतिक घर जिम्मेदाराना तरीके से पार्लियामेंट में सांसद से लेकर के मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने भी मिमिक्री की है। एक छोटा सा पहले हम देख लेते हैं वीडियो, छोटा सा क्लिप है वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। और आज की तारीख में जो संसद है, जो विपक्ष है और जो पक्ष है, एक ही पेज पे हैं, मैं बता रहा हूं। और उनकी राजनीति है जो इस तरह की बातें हो रही हैं, सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं। हिंदू सनातनी जो सत्ता है उसके पक्ष में कोई नहीं है। और एक कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी से बचाया, दूसरे कहते तुमने डेमोक्रेसी को ऐसे खर्च किया, ऐसे खत्म किया। देखते हैं, एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बहुत ही आनंद आने वाला आप लोगों को, ये क्लिप देखते हैं। देखिए, और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। टीएमसी के सांसद कल्याण को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं, जरा देखिए कि किस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की जा रही है। My spine is so straight. Point of order, sir. No point. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been put here only to say Narendra Modi. Understand it. My spine is, you see, my spine is very straight. Very straight. I'm so tall. A person who has to fulfill this, you consider fulfill this, you consider who has to fulfill this, you consider. I would like to finish, sir. Sir, in conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade. Honorable members, I have adjourned the house. You are not aware of the kind of response that is against this institution in the mind of the people. Justice, sir. Justice,
and we had the occasion to see the lowest level. Mr. Chidambaram is here. Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member of parliament mocking the institution of chairman as an individual. Take on me. तो बात इतनी सी है कि धनखड़ साहब के दिल पे बात लगी और उनका मिमिक्री हुई और धनखड़ साहब ने यहाँ तक कहा कि भैया जो उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो फार्मर्स बैकग्राउंड है, वो सब आहत हुआ है और ये बहुत ही लोएस्ट लेवल की चीज है। सुना है मैंने, मीडिया में ही देखा है कि मोदी जी से भी उनकी बात हुई थी और ये तय किया गया होगा कि भैया इन सांसदों को एक्सपेल्ड करो। राहुल गांधी ने आंख मारी थी ना, तो फिर मिमिक्री तो की थी मोदी जी ने। अभी एक दानिश अली को गाली दिया था भिदुरी जी ने और टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने हरामी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के अंदर। वो सस्पेंड हुई किसी और कारण से, गाली देने के कारण से नहीं हुई, शायद उनको माफ कर दिया गया। उसको भिदुरी को सो कॉज नोटिस दी गई। अब मोदी जी के ऊपर कौन सवाल उठाएगा? आंख मारी थी जाके राहुल गांधी ने, गले मिल लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी से, फिर वो दोबारा बुला के उनसे हाथ मिला लिया था, गले मिल गए थे। बाकी वेल में जाकर के इनकलाब जिंदाबाद, वो पेपर फाड़ना, पेपर उड़ाना, ये सब तो चलता ही रहता है। धक्का मुक्की, एक लेडी मार्शल तक पे हाथ उठा दिया था लोगों ने। मार्शल जो है कई बार लोगों को कंधे पे उठा के बाहर ले जाते रहे हैं। तो ये मंकी संसद है, मंकी पार्लियामेंट है और ऐसे ही डेमोक्रेसी लोग चला रहे हैं और बंदरबाजी करते जा रहे हैं। अब मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ, है ना, साथ साथ में ये वीडियो चलाता हूं तो अच्छा है कि प्लीज प्लीज। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है पिछले 9 सालों से सत्ता में है, इसको हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया है और यही कारण है कि ये जो विपक्षी हैं पूरा टूट पड़े हैं, क्योंकि एक इस्लामाइजेशन ऑफ द नेशन जो है बंटवारे के बाद के भारत में, जो एक बंटवारा तो हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो मुसलमान देश इस्लामिक देश तो बन गया पाकिस्तान, भारत को इन लोगों ने बनने नहीं दिया। नेहरू ने तो धर्मांतरण की मशीन मदर टेरेसा को ले आए थे। बाद में जो बंटवारा हो गया था तो लोगों के मन में था कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सनातनियों का देश है, लेकिन जो सत्ता के व्यवस्था में थे उन्होंने सब बनने नहीं दिए। इसके बाद ये कानून आते चले गए, है ना, वो सच्चर कमेटी जो बाद में था जिसको लेकर के मोदी ने इनकलाब के जो असंवैधानिक है उसको लागू कर दिया 1991 प्लस से, जब पोर्शिप एक्ट जो कांग्रेस ने बनाया था कि जो भी मंदिर हैं और ध्वस्त किए गए तोड़े गए 1947 के बाद उनकी यथास्थिति बनी रहेगी, उसे मोदी ने खत्म नहीं किया। एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी कांग्रेस ने वॉक बुरला के, एक संविधान के अंदर कानून के अंदर एक और कानून समानांतर सरकार की बना दी, वक्फ बोर्ड की अपनी सरकार बना दी, है ना, उसके अपने कोर्ट्स बना दिए, उसके अपने नियम कानून बना दिए और उसको तो मोदी ने खत्म किया नहीं। अब मोदी ने, अब चूंकि उसके धारा 370 खत्म किया, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था एक देश एक विधान एक संविधान कर दिया भैया, लेकिन पीछे बैकड्रॉप से वो डोमिसाइल एक्ट लगा दिए, वो एग्रीकल्चर एक्ट लगा दिए, तो कश्मीर की स्थिति वही रही। आज भी जो है वहां जो 15 साल से ज्यादा के हैं वही वहां जमीन खरीद सकते हैं या वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको मिल सकता है। धारा 370 हटने का क्या बात हुआ? बाकी 300 से ज्यादा योजनाएं वो मुसलमानों के लिए चला रहे हैं। तो ये सब एक ही पेज पे है, है ना। और जो कुछ भी कांग्रेस ने पूरी तरीके से राष्ट्र को एक मुसलमानीकरण कर दिया था, इस्लामाइजेशन कर दिया था, लाल किला से बोल दिया था ना मनमोहन सिंह ने कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, मोदी ने दे दिया। उसने कहा, मोदी ने विरोध किया, मोदी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और जब उनकी सत्ता आई तो उन्होंने दे दिया, देश की संसाधनों पे पहला अधिकार मान लिया उन्हीं का।
तभी तो वो जो उनका प्रधानमंत्री जो आवास योजना था उसमें 40% दिया भैया, 14% की आबादी है, 40% दिया, किसका काट के दिया, मुद्रा योजना में ऐसे ही दे दिया, बाकी 36 योजना में दे दिया है ना, पूरे आजादी से लेके अब तक जो आईएएस आईपीएस में 2% 2.5% थे वो 5% तक कर दिया, फ्री कोचिंग करने लगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि मोदी सरकार जो है हिंदुओं का चेहरा बने रहने के लिए त्रिपुंड लगाती रही है और मंदिर जाती रही है और ऐसे चीजें जैसे राम मंदिर का निर्माण कर दिया, संसद में बिल पारित करके तो नहीं किया, 99 प्लेस से जब फोर्शिप एक्ट हटा के तो नहीं किया है ना, अदालत ने किया और सौदा हो गया, 5 एकड़ जमीन दिए मस्जिद बनाने के लिए, ऐसे ही तो बाकी मथुरा भी है, काती भी देते रहो, पाकिस्तान बनाते रहो, तो एक ही पेज पे है। और ये जो कुछ हंगामा हो रहा है वो जनता को भ्रमित करने के लिए हो रहा है, ये बंद बाजी चल रही है संसद के अंदर, और जो भी सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, विपक्ष के हैं, उनमें सिर्फ थोड़े सी ये बात हुई है कि उनकी सत्ता नहीं है, मानसिकता तो उनकी जो है ये भारतीय जनता पार्टी भी तो वही कर रही है, मंदिरों पे मठों पे तो आज भी सरकार का कब्जा है जो उनके समय में भी था, मस्जिदों पे नहीं था, चर्चों पे नहीं था। तो देश की सत्ता की व्यवस्था हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था नहीं है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो जनता को भ्रमित करने के लिए हो रहा है, दिखाने के लिए हो रहा है, और ये मिमिक्री सबने की है, आज की है, कल किया था, शुरुआतों में किया है, आगे भी करते रहेंगे। और ये जो कुछ इनकलाब जिंदाबाद मोदी हटाओ दिन सताओ दट हटाओ वो सत्ता की व्यवस्था की लड़ाई है और हिंदू सनातनियों के लिए धोखा है, उनकी संस्कृति को ध्वस्त करने की बात चल रही है और डेमोक्रेसी यहाँ ऐसे ही चल रही है, ये खत्म होगा, कोई मजबूत सत्ता आएगी जब हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था आएगी तो खत्म होगा, क्योंकि पावर तो है नहीं, सीएए बना दिया ना, लागू किया, एनआरसी बनाया, लागू किया, किसान बिल लेके आए, विथड्रॉ करना पड़ा शाहीन बाग में, हैं इतने लंबे एट्रोसिटीज हुई, मतलब क्या नहीं हुआ, देश को किस गर्त तक ले गए ये लोग, जरा देखिए ना ताकत कहां देखी, धारा 370 जब हटा तो लगा कि ये बहुत ताकतवर सरकार है, लेकिन किस हद तक मुस्लिम अपीजमेंट कर दिया उसके बाद, तो कोई भी चीज राष्ट्र के साथ वो नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बिल तो आज तक आया नहीं, डेमोग्राफी इन्वेशन जो हो रहा है होता ही रहा है, समझ रहे कि नहीं, वो बॉर्डर एरिया में भी अब उसका सुनेंगे सुब्रहण्यम स्वामी का तो आप कहेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो कुल मिला के बात इतनी थी है, संसद में जो कुछ भी आज हो रहा है, 142 सांसद जो निलंबित किए गए हैं, वो सब इतने बड़े राष्ट्र के लिए और इतने बड़े जनाधार के लिए, जो हिंदुओं का जनाधार है, हिंदू सनातनियों का जनाधार है, उनके वोट से जो सरकार सत्ता में है उसको खुश करने के लिए है और एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, देखो मैं तो हिंदू लीडर हूं, भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था दे रहा हूं और ये लोग विरोध में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ धोखा है और ये धोखा ही रहेगा और ये सत्ता की व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये धनखड़ साहब रुक गए थे, हटाएं इनको, तो आज मैं सिर्फ यही कह, मतलब बहुत सारे टीवी में मीडिया में मास्टर स्ट्रोक वाले लोग अपने अपने तरीके से इसको बयान कर रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, जो सच्चाई है वो बताने के लिए मैं आया हूँ कि इतनी सारी बातें जो कुछ हो रही है संसद के अंदर संसद के बाहर, संसद में गाली, संसद में मिमिक्री, संसद में सांसदों का सस्पेंशन, एक साथ राजीव गांधी के टाइम में 68 लोगों सांसदों का सस्पेंशन, अभी 142 का सस्पेंशन, सब एक ही तारीख के चट्टे बट्टे हैं और इससे आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी किल हो रही है, दूसरी तरफ का नैरेटिव है कि हम हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था लागू कर रहे हैं इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष और विपक्ष एक ही धरातल पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में अपनी दखल चाहते हैं और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम नए तरीके से आते रहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए,
और साथ बने रहिए। जय सियाराम, हरिओम।